as per given in question. क्वेश्चन में जो दिया हुआ ये there is no information regarding production of article. कोई information नहीं है, so we assume x article will be produced. तो कितने आर्टिकल नहीं बनाए हम क्या बनेंगे? Yes. So cost of इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितना एक्स है और कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया आपका ये, सो 90 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू स्टेप नंबर वन A into C, 2 into 90, that is 180. बनाओ दो पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर बने 180 हो. 13 and 14. तो कितना होगा 13 and 14? 182 होता है. 15 and 12. 2x square plus 15, 12 x minus 90. कोई भी नहीं बोलेगा. बोलो बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस का. कौन सा वाला? सी की वैल्यू है माइनस सी. तो 2x स्क्वायर ये प्लस है ये भी प्लस है प्लस 15x ये माइनस है ये प्लस है माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल टू x कॉमन आया क्या बचा 2x प्लस 15 और यहां से कॉमन आ गया माइनस सिक्स तभी बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू x कॉमन लिया दोनों में से तो 2 तो x भी आ जाएगा और x का स्क्वायर है उसमें से x मैंने कॉमन लिया तो बचा कितना या x पूरे ही x कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचेगा माइनस सिक्स क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये जो फैक्टर है वही फैक्टर मुझे यहां बनाना पड़ेगा तभी जाके वो इक्वेशन प्रॉपर सॉल्व हो पाएगी रूट निकलेंगे बाकी तो अगर मुझे यहां 2x लाना है तो मुझे यहां पर माइनस 6 कॉमन निकालना पड़ेगा तो ये माइनस है और ये भी माइनस है माइनस माइनस कैंसिल हो गए प्लस आ जाएंगे और 12 डिवाइड बाय 6 कितना आ जाएगा और x एज भी वापस आ जाएगा ये भी माइनस है प्लस 90 डिवाइड बाय 6 कितना जाएगा इक्वल टू सी x माइनस 6 और 2x प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू माइनस 15 x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2
प्रोडक्ट कभी भी माइनस में, अभी माइनस में प्रोडक्ट कभी माइनस में थोड़ी हो पाएंगे, पॉजिटिव हो पाएंगे। तो एक्स हमारा कितना निकला है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है आपकी, 2x + 3 2 × 6 + 3 दैट इज 15। तो ये तो आ गया आपकी कॉस्ट पर यूनिट, और ये आ गया यूनिट प्रोड्यूस, दैट इज योर चेक करो और नोट करो।